हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस जी एस मिलकपुर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3। फ्रेंड्स देखो क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें क्या है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100, 200, 300, 400 अप टू ये है, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से 200 से 300 से 400 जैसे नेक्स्ट आगे तक। तो स्टूडेंट्स हमें देखो क्या करना है कि जैसे सम फर्स्ट 59 मल्टीप्लाई बाय 200 को क्या है 200 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 59 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसके हम राइट साइड में 2 जीरोज़ को क्या करेंगे, पुट करेंगे। जो 200 की जो 2 जीरोज़ हैं उनको क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला सम देखो कैसे करना है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 59 से। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले 9 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 को 2 9 18 8 1 कैरी 5 2 10 प्लस 1 11। ये तो है हमारा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, इसके राइट साइड में 2 जीरोज़ को क्या है, पुट कर देंगे। अगर हम 2 जीरोज़ कैसे पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कि 59 को 200 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या देखो, 256 को मल्टीप्लाई करना है हमें 400 से। तो पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 256 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। 256 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 6 4 6 24 4 2 कैरी 4 5 20 प्लस 2 22 2 कैरी 4 2 8 प्लस 2 10। तो स्टूडेंट्स 1024 ये तो आया हमारा 4 को 256 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, दो जीरोज हमारी उनको हम इसके राइट साइड में पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, 1132 को मल्टीप्लाई करना हमें 500 से। तो हम क्या करेंगे, पहले 1132 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो देखो स्टूडेंट्स 1132 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, 5 2 10 0 1 कैरी 5 3 15 प्लस 1 16 का 6 1 कैरी 5 1 5 प्लस 1 6 5 1 5। अब हम देखो स्टूडेंट्स क्या आया, 5660 आया, ये तो आया हमारा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमें क्या करना है, जो 500 की 2 जीरोज़ रह गई थी उनको हम इसके राइट साइड में पुट करेंगे। इसको राइट साइड में हम 2 जीरोज़ को पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, 1040 को मल्टीप्लाई करना है हमें 7 से। तो पहले हम 1040 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 0 0 7 4 28 7 1 7। तो स्टूडेंट देखो 7280 ये तो आया हमारा 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, तो ये 2 जीरोज़ रह गई थी 700 की उसको हम इसके राइट साइड में पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, 4900 को मल्टीप्लाई करना है 800 से। तो क्या करेंगे हम, पहले 4900 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 0 0 8 0 0 8 9 63 72 का क्या है फ्रेंड्स, 2 और 7 क्या होगा, कैरी 7 4 32 32 प्लस 7 39। तो फ्रेंड्स क्या आया, 39200 है ये तो आया हमारा 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये 39200 है, इसकी जो 800 की दो 2 जीरोज़ रह गई थी इसको हम राइट साइड में यहाँ पे राइट करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है, 2350 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो 2350 को मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले 8 से, 8 0 0 8 5 40 40 0 4 कैरी 8 3 24 24 प्लस 4 28 2 कैरी 8 2 16 प्लस 2 18। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, 18800 है ये तो है हमारे 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम क्या करें, जो 800 की 2 जीरोज़ रह गई थी इसके राइट साइड में हम यहाँ पे राइट करेंगे तो 18800 तो था हमारा ये, इसके राइट साइड में हम 2 जीरो और पुट कर देंगे तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
तो स्टूडेंट्स आपको 5.3 के सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, आपको 100 से 200 से 300 से ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए होगा। तो आप क्या करोगे, 1, 2, 3, 4 जैसे इसके फर्स्ट डिजिट को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और जो टू जीरोज है उसको क्या करोगे, लास्ट में जो हमारा नंबर आंसर आया है उसके राइट साइड में पुट कर दोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल SDS को सब्सक्राइब करें।